Hello students, welcome for the geography class. We are doing the chapter 4 climate from the NCERT book. Okay, so this is the third video continuing from the chapter 4. So we have discussed in the previous video that was the effect of the climate, that is the Indian climate, and what was the climatical condition of India. So in factors that affect the climatical conditions, we have discussed all the factors, but a little portion of that was left. So when we have talked about the wind pressures, that was in the summer and in the winter time. So we have to understand the jet streams also. Okay, what are the jet streams? ओके सो जेट स्ट्रीम्स क्या होती है? जेट स्ट्रीम है एक अपर एयर सर्कुलेशन, हवा का सर्कुलेशन है कहां पे? अपर पोर्शन में, अर्थ के अपर लेयर्स में, ठीक है? सो दैट आल्सो अफेक्ट्स द मॉनसून इन इंडिया. सो ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ये एक नैरो बेल्ट्स हैं, यानी विंड की एक नैरो बेल्ट्स हैं जो बहुत हाई एटीट्यूड्स पर मूव करती है. देज आर अराउंड 12,000 मीटर्स एंड वेस्टली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर. ये वेस्टली विंड्स हैं जो ट्रोपोस्फियर में, ठीक है ना, इतनी हाइट पे ये बेल्ट हैं जो मूव करती हैं, ठीक है. इनकी जो स्पीड होती है दैट वेरीज फ्रॉम द समर टू द विंटर. व्हेन वी से समर, दे आर ब्लोइंग अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर. And in winters, their speed is 184 kilometers per hour. Okay, so a number of jet streams are there. Okay, ये बहुत jet streams identified किया गया है, and इनका जो most constant जो area है, that is the mid latitude and the subtropical jet streams. Okay, you can see on the next page after this, that is there, that are shown in the two maps. ठीक है, एज आई सेड कि ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं, दीज आर इन द मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स में हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियाज, तो दे आर अप्रोक्सीमेटली लोकेटेड अराउंड 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में. ओके, तो दे आर नोन एज द सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम्स. ओके, वेस्टली जेट स्ट्रीम्स हैं वो बिल्कुल जो इक्वेटर है उसके नीचे की तरफ हमें दिखाई देगी, नॉर्थ की तरफ ओवर इंडिया. एंड दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयस. ये साउथ ऑफ हिमालयस की तरफ मूव करती हुई दिखती है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द वेस्टली जेट स्ट्रीम्स. सो ऑल दो द ईयर, ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, ये पूरे साल हमारे 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में मूव करती है एक्सेप्ट इन समर. सो दैट द वेस्टली साइक्लोन डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो ये जो इफेक्ट होता है, इसमें वेस्टर्न साइक्लोन्स को ये इफेक्ट करता है, और ये मेनली नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट्स इंडिया के को इफेक्ट करता है, ठीक है. एंड इन समर द ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स ये मूव करती है, मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस. ये नॉर्थ ऑफ द हिमालयस में ब्लो करती है, ठीक है. वेस्टर्न वेस्टली जेट स्ट्रीम्स वो साउथ में ब्लो करती थी, और ये वाली जो है ये हमारी नॉर्थ ऑफ हिमालयस में ब्लो करती है, ठीक है ना. दैट्स आर जस्ट apparent according to the movement of the sun. तो जो easterly jet streams हैं, they are known as the subtropicals. Okay, these are the subtropical jet streams. They blow over the peninsula, Indian peninsula. ये Indian peninsula के ऊपर से blow करती है, approximately over 14 degrees north during the summer month. ठीक है,
So that was the jet stream. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इंडियन मॉनसून. व्हेन वी से द इंडियन मॉनसून, इंडियन मॉनसून इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स लोकेशन, ओके, एज वेल एज इट्स क्लाइमेटिकल कंडीशन. सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स. सो द सेलर्स जो इंडिया में आए थे ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल टाइम्स, दे हैव नोटिस्ड कि ये जो लोकेशन है इंडिया का, ये बहुत कुछ इफेक्ट करता है या मॉनसून में उसका बहुत कुछ रोल होता है. सो दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ द विंड्स. हवा के झोंके से जब ये लहरों से जूझते हुए अपने जो कोस्टल साइट्स पे जब ये टकराए थे, तो इन्होंने इस मूवमेंट्स को नोटिस किया था. एंड जो अर्ब्स हैं, दे आर द फर्स्ट हु हैज गिवन द सीजनल और गिवन द नेम दैट इज द सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम. यानी इंडिया को इन्होंने नाम दिया था मॉनसून, जिसका था सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम. ओके, so when you want to see about the jet stream, you can see the jet streams. See, ye westerly jet streams hai, ye dekho ye blow kar rahi hai. These are blowing towards the subtropical areas, 27 degree to 30 degree north latitudes mein, theek hai. Aur upar aap dekhoge to that is the मॉनसून, सॉरी, ये ट्रॉपिकल्स जो है मूवमेंट कर रही हैं, दैट इज इन द समर. दीज आर द ईस्टली जेट स्ट्रीम्स. देखो अब ईस्टली जेट स्ट्रीम्स का मूवमेंट देखो, ये रहा ईस्टली जेट स्ट्रीम्स का मूवमेंट, ठीक है. ये ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है और नीचे देखोगे तो वेस्टली जेट स्ट्रीम्स हैं, वो वेस्ट से ब्लो कर रही हैं. डिफरेंसेस यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ये वेस्ट से ब्लो कर रही हैं, लेकिन जो उनका ब्लोइंग का जो एरिया होता है वो डिफर कर देता है अकॉर्डिंग टू द सीजन. ओके, आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम इंक्लूड करने वाले हैं कि ये जो मॉनसून है, ये जो हमारे सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो ब्लो करता है, उसके मेन रीजंस क्या हैं. Okay, what are the what you will say facts, mechanism kya hai monsoon ke, mechanism kya hai monsoon ke, facts kya hai. Okay, so tropical areas mein monsoon experienced hota hai around 20 degree north to 20 degree south. One marks ka question aa sakta hai ki roughly jo tropical areas hai wo kaun se degree se kaun se degree tak hai, that is 20 degree north to 20 degree south. अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर द मैकेनिज्म, कि क्या उसके फैक्ट्स हैं. तो वेरी फर्स्ट इज द डिफरेंशियल हीटिंग्स एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर. एज आई सेड अर्लियर, जो लैंड है वाटर बॉडी से बिल्कुल अटैच्ड है, जो हमारा कोस्टल साइड है दैट इज इन अ पेनिनसुला वे, तो बहुत कुछ इफेक्ट करता है उसका लोकेशन. ओके, तो वी कैन सी फ्रॉम दिस मैप, यू सी दिस इज अ मैप, ये छोटा हो गया, यू कैन सी द मैप. ये हमारा जो लोकेशन है, इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन फ्रॉम द थ्री साइड. सो व्हेन वी आर हैविंग द लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज मूवमेंट, ओके, वो बहुत कुछ इफेक्ट करता है. दीज आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर. वाटर बॉडीज में हाई प्रेशर है और लैंड में लो प्रेशर है, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन होता है विंड्स का, वो भी इफेक्ट करता है मॉनसून लाने में. ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट जो रीजन अंडरस्टैंड किया गया है बाय द हिस्टोरियंस, दैट इज बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडिया. ओके, second is the shift of the position of the intertropical convergent zone, that is ITCZ. This is the first and the new important topic that is introduced in your ninth class first time.
तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. ओके, सो फॉर दैट आई हैव ब्रॉट अ मैप फॉर यू. सी वी आर हैविंग अ दिस इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. सी यू कैन सी ये एक जोन है जो क्या है. सी दिस इक्वेटर लाइन, यू कैन सी इक्वेटर लाइन, ये है हमारी इक्वेटर लाइन. सो इक्वेटर लाइन बहुत कुछ इफेक्ट करता है मॉनसून को. एज वी नो कि ये जो हीट जोन्स हैं वो इक्वेटर्स लाइन के थ्रू हम लोगों ने अंडरस्टैंड करे थे. सो फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थन साइड एंड द सदर्न साइड द हीट जोन दैट इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन आर देयर. सो ये कौन सा है, ये टॉरिड जोन है. यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है. तो यहाँ से जो जो भी ये इक्वेटर है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो जो गर्म हवाएं आती हैं फ्रॉम दिस 30 डिग्री साउथ या 30 डिग्री नॉर्थ से, सो ये मूवमेंट करती हैं टूवर्ड्स द इक्वेटर बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर द वॉर्म, बहुत ज्यादा गर्म जो हवाएं होती हैं वो होती हैं. तो ये ठंडी हवाएं ये मूव करती हैं टूवर्ड्स द इक्वेटर और ये बहुत हाइट पर ऊपर जाने के बाद में अगेन सर्कुलेट करती हैं फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर. पोल्स में हम लोग, मैं इसीलिए नहीं बोलूंगी जस्ट बिकॉज पोल्स आर वेरी फार. So when we are talking about the India's location, we can see it is having a Tropic of Cancer here. The Tropic of Cancer बहुत कुछ affect करता है. जो वहाँ की जो rays होती हैं वो move करती हैं towards the equator and then it blows back to the Tropic of Cancer. ठीक है. So ये जो shifting है, ये shift हो जाता है. That is इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है दैट शिफ्टेड टूवर्ड्स द अपर साइड, यानी यहाँ पे कहाँ पे, गंगा प्लेन्स में शिफ्ट कर जाता है. वेयर इन समर टाइम, ओवर द समर टाइम इट इज शिफ्टेड टू द गंगा प्लेन्स फ्रॉम द इक्वेटर लाइन. तो इसका जो पोजिशन होता है दैट इज 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. ये इक्वेटर से 5 डिग्री यहाँ पे, इक्वेटर से 5 डिग्री यहाँ पे. सो ये जो यही वाला जो जोन है दैट शिफ्टेड टूवर्ड्स द अपर साइड ऑफ द गंगा प्लेन्स. सो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द मॉनसून्स. ओके, ये भी बहुत कुछ मॉनसून को अफेक्ट करता है. यू कैन सी इन जनवरी इट इज ब्लोइंग हियर एंड इन जुलाई इट इज ब्लोइंग इन दिस वे. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू. The third reason for this is the presence of the high pressure area of east of Madagascar. Madagascar kya hai? It's an island. Okay, ye bhi monsoon ko, Indian monsoon ko affect karta hai. How? Let's see. See, this is an island. It is African island. You can see by the side of Africa, this island is there. And this is Tropic of Capricorn. Capricorn से जब ये होता है कि ये because of intensity and position of high pressure area that affects the Indian monsoon. तो यहाँ पे because of high pressure, the winds blows towards the इक्वेटर एंड इक्वेटर से वो ब्लो करती है टूवर्ड्स द एरियाज विच आर लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सो फ्रॉम दिस आइलैंड और फ्रॉम दिस ईस्टर्न एरिया, सॉरी दिस एरिया दैट ब्लोज टूवर्ड्स द ईस्ट, जो विंड होती है दैट ब्लोज टूवर्ड्स द ईस्ट. दिस इज अ एरिया, यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर एरियाज हो जाता है एंड दे गिव विंड्स ब्लोइंग टूवर्ड्स दिस
एरिया, तो यहाँ से भी बहुत कुछ अफेक्ट करता है. यहाँ से जो विंड्स होती हैं वो ऐसे सर्कुलेट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर दैट विंड्स ब्लोज फ्रॉम द मेरिडिस्किस लैंड टू द कोस्टल साइड्स ऑफ इंडियन ओशन और इंडियन पेनिनसुला. नेक्स्ट इज द तिब्बतन प्लेट्यू. दिस प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर. ओके, क्या होता है समर के टाइम पर ये जो पेनिनसुला होता है ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस द स्ट्रॉन्गर वर्टिकल एयर सर्कुलेशन जो होता है, एयर का जो सर्कुलेशन होता है फ्रॉम द लो प्रेशर एरियाज वो मूवमेंट शुरू कर देता है 9 किलोमीटर के एरिया से अबव. सी जो लेवल है वहां से किलोमीटर जो हवाएं होती हैं वो ब्लो करना शुरू कर देती हैं. सो इन समर वी कैन से बिकॉज ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू ये बहुत ज्यादा हीट निकालता है और हीट देता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो द मॉनसून गेट्स अफेक्टेड. ओके, फ्रॉम दिस प्लेट्यू यू कैन सी बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं. तो यहाँ से हम देखेंगे कि बहुत सारी जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, द रीजन फॉर इज दैट द हिमालयाज एंड द तिब्बतन प्लेट्यू. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज द मूवमेंट ऑफ द वेस्टली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया था जो वेस्टली जेट स्ट्रीम्स हैं दैट ऑल्सो अफेक्ट्स. ओके, सो जो वेस्टली जेट स्ट्रीम्स हैं दे आर इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकली ईस्टली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला. तो दोनों साइड देखोगे कि जेट स्ट्रीम्स हैं. ओके, जेट स्ट्रीम्स एज आई सेड दे आर एट अ वेरी हाई लैटिट्यूड. तो यहाँ से जो विंड्स ब्लो करती हैं दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून ड्यूरिंग द समर टाइम. ओके, सो दीज वर द 5 मैकेनिज्म दैट्स अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून. ओके, फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज ऑल्सो बी नोटिस दैट चेंजेस इन द प्रेजेंस कंडीशन ओवर द southern oceans also affects the monsoon. ठीक है ना, इंडिया में इंडियन ओशन अफेक्ट कर रहा है, दैट वी हैव अंडरस्टूड. बिसाइड दैट देर इज ऑल्सो रीजन फॉर द सदर्न ओशंस दैट ऑल्सो अफेक्ट द मॉनसून. सो नॉर्मली वेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन. ओके, कौन सा पैसिफिक ओशन, उसका कौन सा ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ एरिया that also experiences very high pressure. Okay, so the tropical Indian Ocean experiences low pressure. India mein Indian Ocean mein kya hai, low pressure hai, aur jo Pacific Ocean mein wahan pe kya hai, high pressure hai. To uski wajah se bhi kafi jo changes hota hai wo monsoon mein aata hai. But in certain years, kuch saalon se kya ho raha hai, there is a reversal in the pressure conditions. प्रेशर कंडीशंस में बहुत कुछ चेंजेस आया है एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लो प्रेशर. ठीक है, जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो रहा है. बहुत ज्यादा लो प्रेशर होने की वजह से जो हमारा ईस्टर्न ओशन में है उसमें भी उसको इफेक्ट मिल रहा है. सो दिस पीरियड चेंजेस इन प्रेजेंस इन द कंडीशन ऑफ द सदर्न southern monsoon or we can say the southern oscillation. ठीक है, so जो difference in pressure over the Pacific area. Okay, this can be asked for 1 marks. That is Tatli, that is in Pacific Ocean. यहाँ पे pressure में जो differences होता है और जो Australia का जो area है that is the Darwin, वहां पे भी चेंजेस आता है एंड दैट इफेक्ट्स इंडियन ओशंस आल्सो.
ठीक है। सो ये बहुत कुछ इफेक्ट करता है हमारे इंडियन ओशंस को। तो इफ द प्रेशर डिफरेंसेस आर नेगेटिव, अगर क्या होता है इनके इनका जो प्रेशर है अगर वो नेगेटिव में होता है, इट वुड मीन ब्लो एंड एवरेज मॉनसून। अगर आप देखो मॉनसून की जो भविष्यवाणी हो जाती है, अगर वो भविष्यवाणी जो करते हैं वो ये देखते हैं अगर ये प्रेशर है वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना, बहुत हाई हो रहा है, तो मॉनसून या तो एवरेज रहेगा इस साल का या बहुत लेट मॉनसून आएगा। सो अ फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज द एल नीनो फेनोमेना इन विच द वार्म करंट वार्म ओशन करंट दैट फ्लो पास्ट ऑफ द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट, ठीक है। अब ये पेरुवियन करंट्स क्या है, दिस आर द प्लेस, ये एक प्लेस है साउथ अमेरिका में इन द पेरू कंट्री, ये हमारे कोस्ट है उसका, पेरू कंट्री का जो कोस्टल साइड है वहां पे जो करंट है वॉटर ओशन करंट्स है अगर वो वार्म होती हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ कोल्ड, ये ऑलमोस्ट 2 to 5 years में देखा नोटिस किया गया है। सो द चेंजेस विल ऑल्सो बी सीन इन द इंडियन ओशंस, ठीक है, तो उसका कनेक्शन भी इंडियन ओशन पर रहता है। सो दैट इज द ऑल द वी हैव सीन, लेट मी शो यू फ्रॉम द मैप ऑल्सो, आई हैव ब्रॉट दिस मैप, ओके, दिस मैप इज यू कैन सी, ओके, सो दिस इज द वर्ल्ड मैप, यू कैन सी ये है हमारा पेरू कंट्री, दिस इज पेरू, ठीक है। तो यहां से क्या होती है, विंड ब्लो करती है, यू कैन सी दिस इज एल, दिस इज लो प्रेशर एरियाज एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डार्विन अभी हमने पढ़ा था, दिस इज द हाई प्रेशर एरियाज, ठीक है। एंड इसका जो इफेक्ट होता है, इन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो यहाँ पे भी जाता है, यू कैन सी द विंड्स, देखो यहाँ पे यू कैन सी द एरोज, एरोज इफेक्ट कर रहा है इंडियन ओशंस को, ठीक है। सो यू कैन सी दिस बेल्ट्स, वॉट एवर द कोस्टल साइड्स आर देयर, दे आर अफेक्टेड विद दीज विंड्स विच आर ब्लोइंग नियर द इक्वेटर साइड, यू कैन सी जितना भी एरियाज है ये इफेक्टेड है इन द इक्वेटर साइड्स। सो इक्वेटर्स में पेरू पे इफेक्ट पड़ता है, और पेरू से जो भी इक्वेटर से जो विंड्स ब्लो करती हैं वो इफेक्ट करती हैं इंडियन पेनिनसुला को और इंडियन क्लाइमेट को, ओके। सो दिस वॉज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, आई होप आज तक का कंटेंट आपको समझ में आया। फॉर मोर कन्वीनियंस यू कैन रीड दिस एल नीनो एंड यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटरली। Okay, for today, I will be winding up here and take care of your health. Thank you.